नमस्कार बच्चों, न भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा इस वीडियो में टॉपिक है वो है वायरस। कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन इन लिविंग बींग्स पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि आरएच विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था। उसमें उसने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन पाँचों को उनके कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। पर आरएच विटेकर ने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वायरस है, इसको किसी भी ग्रुप में कोई स्थान नहीं दिया था। तो वायरस जो है वो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आरएच विटेकर के द्वारा क्लासिफाई नहीं किया गया था। पर अगर इसकी डिस्कवरी को देखें तो डी इवानोव्स्की जो था, ये एक वो साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था कि जो उस टाइम पे जब इसने डिस्कवरी की थी वायरस की, उस टाइम पे जितने भी प्लांट या एनिमल जिनमें कोई डिसीज़ पाई जा रही थी, तो उसने क्या किया था, उन डिसीज़ प्लांट या एनिमल्स के क्या ले लिए थे, सैंपल्स लिए। सैंपल जो थे वो फ्लूड फॉर्म में लिए थे। उन फ्लूड फॉर्म सैंपल्स में से क्या किया उसने कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर इस्तेमाल किया। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब जो बैक्टीरिया को क्या कर ले, उसमें रोक ले और बाकी के फ्लूड को पास होने दे। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को यूज़ करने का उसका जो मकसद था वो ये था कि जितने भी एनिमल और प्लांट उस टाइम पर उन्होंने एक सैंपल के फॉर्म में उनका फ्लूड लिया था, उनमें बैक्टीरियल डिसीज़ पाई जा रही है या फिर कोई और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन डिसीज़ को कॉज कर रहा है। तो उन्होंने क्या देखा था, जब ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर उस लगाया उस फ्लूड को पास कराने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया तो रुका उस फिल्टर में, बट जो फ्लूड पास हुआ उसमें भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उन्होंने देखे। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म गए, उन्होंने फिर उसके ऊपर डिस्कवरी की, और जब उन्होंने देखा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है, तब उन्हें पता चला कि वो क्या है, वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, ये सब वायरस जो हैं ये डी इवानोव्स्की के द्वारा ही देखे गए थे। उसके बाद हमारे एमडब्ल्यू बर्जेरिक जो थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ये देखा कि ये जो फ्लूइड है एनिमल या प्लांट के अंदर, जो डिसीज्ड प्लांट या एनिमल हैं इनके अंदर जो फ्लूड है उसको एक नाम दिया, उसको नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूड। इसके बेसिस पे पता चल जाता था कि ये जो फ्लूड है ये वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड फ्लूड है। उसके बाद पास्चर ने जो वायरस है उसको पॉइजनस फ्लूड के नाम से डिनोट किया। और डब्ल्यू एम स्टैनले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, TMV जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया। ये प्लांट के अंदर जो कि टोबैको का जो प्लांट होता है उसके अंदर देखा गया था। इसका जो TMV का जो सिम्टम्स थे वो जो देखे गए वो ये थे कि जो TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो था वो टोबैको की जो लीफ होती है, टोबैको प्लांट की जो लीफ होती है उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, मतलब कि एक जाली जैसा उसकी पत्ती को नेक्रोसिस कर दिया, उसकी जो क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल जो पोर्शन था यानी कि ग्रीन पोर्शन था उसको पूरी को फिनिश कर दिया, और जो उसके वेंस थे सिर्फ वही जो है वो बचे, यानी कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको बोला उन्होंने TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये तो हुई इसकी एक डिस्कवरी कि उसको कैसे डिस्कवर किया गया, सबसे पहले उसको इस वायरस को किसने देखा, और फिर इसको क्या किया, वायरस को बताया कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आरएच विटेकर के द्वारा क्लासिफिकेशन में, उसके फाइव किंगडम के क्लासिफिकेशन में उसको कंसीडर नहीं किया गया था। उसको बाद में ये हमारे जो डी इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट हैं इनके द्वारा डिस्कवर किया गया। अब इसके बाद में जब डिस्कवरी की बात हो जाती है तो हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि एक्चुअली वायरस जो है वो इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। इसके कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम इसको बता पाएंगे कि वायरस एक्चुअली होता कैसा है। तो डिस्कवरी के बाद अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें
तो वायरस जो है वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। इट मीन्स जब सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं उसे हम बोलते हैं ए सेलुलर, यानी कि वायरस जो है वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ए सेलुलर होता है, यानी कि विदाउट सेल। इसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती है वायरस के अंदर। दूसरा, अगर हम ये देखें तो वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव कैसे हो सकता है? जो लिविंग में अगर हम देखें तो लिविंग में ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, जो जिसे हम एक जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि ये आगे रेप्लिकेशन कर सके और फर्दर डिवाइड कर सके। डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होने का मतलब इसमें ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ पाई जाती हैं एज ए उसके जेनेटिक मटेरियल। बट वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर हम ये देखें, ये जो है इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और इसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, और इसका भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और इसका डबल स्ट्रैंड आरएनए। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए पाया नहीं जाता। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड दोनों की तरह के आरएनए पाए जाते हैं, और डीएनए में सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए ही प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, और एनिमल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड दोनों तरीके के आरएनए और सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कनेक्टिंग होता है लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग का तो मैंने बताया क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और नॉन लिविंग की अगर बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है कि वायरस जो होता है वो अगर उसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिले, उसको अगर कोई होस्ट बॉडी ना मिले तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसको रेप्लिकेट होने के लिए आगे डिवाइड होने के लिए उसको होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, एज ए पैरासाइट उसको होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये कनेक्टिंग होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर हम बात करें इसका तीसरा करैक्टर तो ये होता है, ये एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मिलता है। क्रिस्टलाइज्ड मतलब होता है पीसेस के फॉर्म में मिलता है। चौथी अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक न्यूक्लिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लिक कैप्सिड भी बोलते हैं। ये जो है ये उसके कोर और कैप्सिड पार्ट से मिलकर बनती है। अगर हम बात करें एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका ये हेड पार्ट है। इसके हेड पार्ट के अंदर ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हो ये तो होती है क्या, आउटर लेयर जो होती है ये तो होती है कैप्सिड, और जो इसके अंदर इसका जीनोम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कोर, उसे बोलते हैं कोर, और इन दोनों को मिला के बनता है न्यूक्लिक प्रोटीन या न्यूक्लिक कैप्सिड। तो ये तो हुए इसके कैरेक्टर की जो वायरस होता है वो एसेलुलर होता है, वो कनेक्टिंग होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर इसका डीएनए भी होता है, इसका आरएनए भी होता है, बट दोनों एक साथ नहीं होते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में प्रेजेंट होता है,
इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, प्लांट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल अगर देखा जाए तो वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में होता है। बट अगर वहीं अगर हम एनिमल की बात करें तो उसके अंदर आरएनए के तो दोनों सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड दोनों फॉर्म पाए जाते हैं और डीएनए का सिर्फ डबल स्ट्रैंड मतलब टाइप पाया जाता है। और मैंने बताया था कि ये एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है और इसका खुद का न्यूक्लियर प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियर कैप्सिड जो कि कोर और कैप्सिड के पार्ट से बनकर मिलकर बनता है। आगे आता है कि अगर हम वायरस की बात करें तो जिसमें आता है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है, बैक्टीरिया फेज का मतलब होता है ईटिंग। जो बैक्टीरिया को ईटिंग करने वाला जो वायरस होता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज का और उसकी कुछ लाइफ साइकिल है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज T4 वायरस का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप जो इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देख रहे हो ये बैक्टीरियोफेज का हेड पार्ट है। यहाँ से लेके इतना जो होता है ये इसका हेड पार्ट होता है। जस्ट हेड के ये एक कॉलर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम नेक कॉलर, नेक कॉलर। और इसके नेक कॉलर के जस्ट नीचे शीथ होती है। ये वाला जो पार्ट होता है ये शीथ का होता है। ये जो होता है ये टेल प्लेट होती है जिसमें इसके टेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इसके टेल फाइबर्स या हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन टेल फाइबर और हेयर्स जो होते हैं इनका जो एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, जब ये अपने होस्ट के साथ में अटैचमेंट करता है तो इस टेल फाइबर में से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। वो प्रोटीन जो होता है जो सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसके साथ में जाके वो उससे अटैच हो जाता है। कौन? बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है अपने होस्ट सेल के साथ में जाके क्या कर लेता है, अटैच हो जाता है। और वो होस्ट सेल क्या होंगे? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होता है। जो इसके हेड पार्ट होता है अगर इसमें देखें तो इसकी जो आउटर लेयर होती है ये प्रोटीन कोटिंग होती है। जो प्रोटीन कोटिंग होती है उसी को हम बोलते हैं कैप्सिड। और जो इसका ये जो इनर पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम कोर, जिसे जीनोम भी बोलते हैं। इसी कोर पार्ट में इसका जीनोम प्रेजेंट होता है। इस जीनोम यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर उसका डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये तो हुआ इसका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कि ये इसका हेड पार्ट होता है, ये इसकी नेक कॉलर होती है, ये शीथ होती हैं, ये टेल प्लेट होती हैं और ये टेल फाइबर होती हैं। तो ये तो मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर बताया कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं। अब हम जो इसके लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती हैं वो किसमें मदद करती है, रेप्लिकेट करने में। जो लाइफ साइकिल होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक लाइटिक एक लाइसोजेनिक। लाइटिक और लाइसोजेनिक में दोनों में क्या डिफरेंस है और वो क्या क्या होती हैं वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें बैक्टीरियोफेज की तो जो लाइफ साइकिल होती है उसका काम होता है जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो किस तरीके से होस्ट सेल में जाके वो रेप्लिकेट करेगा। उसके दो टाइप मैंने बताए थे लाइफ साइकिल में, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें लाइटिक साइकिल की तो लाइटिक साइकिल एक इस तरीके की साइकिल होती है कि उसके अंदर जो उसका फेज होता है किसके अंदर जाके, बैक्टीरिया यानी कि होस्ट सेल के अंदर जब फेज जाके रेप्लिकेट करता है तो वो उस होस्ट सेल को आगे चल के क्या कर देता है, डेड कर देता है या फिर डिग्रेड कर देता है, उसको मार देता है। यानी कि फेज रेप्लिकेशन विच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ होस्ट सेल। जो फेज जो बैक्टीरियोफेज है वो इस तरीके से होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करें कि उसके रिजल्ट में जब हम देखें तो होस्ट सेल डेड हो जाए। तो इस तरीके के रेप्लिकेशन में इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है उसके
उसको हम लाइटिक साइकिल बोलते हैं। लाइटिक साइकिल के अंदर जब हम देखेंगे तो ये जो स्टेप नंबर वन है वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कि जो हमारा ये बैक्टीरियोफेज है वो आके होस्ट सेल यानी कि जो बैक्टीरिया है उससे आके अटैच होगा, और अटैच होते टाइम पे इसके जो मैंने बताया था कि जो ये टेल होती है यहाँ पे, इसके टेल में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था फाइबर्स में से ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होती है ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू द होस्ट सेल। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या होता है? रिलीजन होता है। वो क्या होता है? वो रिलीजिंग क्यों होती है ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन का जो यहाँ पर रिलीजिंग होता है वो इसलिए होता है कि वो जब होस्ट सेल के सरफेस पे जाके जब अटैच होता है तो उस अटैचमेंट से पहले वो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कर देता है? स्पेसिफाई कर लेता है, यानी कि होस्ट सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं को स्पेसिफाई करके उनके साथ में अटैचमेंट कर लेता है। ये वर्क रहता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ये इसका किसका? होस्ट सेल का जीनोम है। अगर ये हो गया स्टेप नंबर वन जो कि अटैचमेंट है। स्टेप नंबर टू की अगर बात करें तो वो होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुसना, मतलब कि जो लेयरिंग है उनको, लेयरिंग को ब्रेक करके उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करना पेनिट्रेशन होता है। तो ये जो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इसका बैक्टीरियोफेज का जीनोम उसके हेड पोर्शन में ही है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट किया है। पर अगर पेनिट्रेशन स्टेप टू में पेनिट्रेशन में देखें तो जो इसका जीनोम है बैक्टीरियोफेज का वो होस्ट सेल के अंदर उसकी लेयर को ब्रेक करके उसके जीनोम के पास में जाएगा। जीनोम के पास में क्या होता है? लाइसोजाइम मटेरियल होता है। वो क्या करता है? इसका जो जीनोम होता है उसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और जीनोम को ब्रेक करने के बाद में बैक्टीरिया के यानी कि होस्ट सेल के जीनोम को ब्रेक करने के बाद में उसका जो कंप्लीट कंट्रोल होता है वो किसके अंडर में आ जाता है? बैक्टीरियोफेज के। अगर हम स्टेप नंबर थ्री की बात करें तो उसमें आ जाता है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मतलब कि जो इसके बैक्टीरियोफेज के बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर क्या करेंगे? रेप्लिकेशन करेंगे। तो स्टेप नंबर थ्री में बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके बैक्टीरियोफेज के वो रेप्लिकेट करते हैं। आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज स्टेप नंबर फोर आता है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली का मतलब होता है कि जो ये बायो मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ था अब वो अपना पूरा का पूरा उस होस्ट सेल के अंदर अपना कंट्रोल करके वो अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। और डेवलपमेंट करने के बाद में फिफ्थ स्टेप में वो क्या करते हैं? उस होस्ट सेल में से रिलीज हो जाते हैं और न्यू होस्ट सेल ढूंढते हैं क्योंकि उसको वो डेड कर चुके होते हैं। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है जिसके अंदर स्टेप कितने हुए? पाँच। स्टेप नंबर वन अटैचमेंट, स्टेप नंबर टू पेनिट्रेशन, स्टेप नंबर थ्री बायोसिंथेसिस, स्टेप नंबर फोर सेल्फ असेंबली और स्टेप नंबर फाइव रिलीजिंग। इन पांचों स्टेप के कंप्लीट होने पर लाइटिक साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो लाइटिक साइकिल मैंने क्या बताई थी? ये वो साइकिल होती है जिसमें जो फेज होता है वो जब होस्ट सेल के अंदर एंटर कर देता है तो वो अपने रेप्लिकेशन के रिजल्ट में क्या करता है? अपने होस्ट सेल को डेड कर देता है। आगे जो दूसरा टाइप है वो है हमारा लाइसोजेनिक टाइप। तो लाइटिक साइकिल के अंदर मैंने एक चीज़ आपको स्किप कर दी थी, वो थी कि इनका जो लाइटिक साइकिल के अंदर वायरस और बैक्टीरिया का जो रिलेशन होता है वो मास्टर एंड स्लेव के रूप में होता है। मास्टर वायरस को बोलते हैं और स्लेव बैक्टीरिया को बोलते हैं। ऐसे ही लाइसोजेनिक जो होता है इसके अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया का जो रिलेशन होता है वो गेस्ट और होस्ट के रूप में होता है। इसमें जो गेस्ट होता है वो वायरस होता है और होस्ट जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। अगर हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की बात करें
तो ये जस्ट अपोजिट होता है लाइटिक साइकिल के अंदर. लाइटिक साइकिल के अंदर क्या हो रहा था हमारे, कि जो फेज है वो रेप्लिकेट करने के बाद में होस्ट सेल को डेड कर रहा था. इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है वो रेप्लिकेशन जब फेज का होता है तो वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करे बिना ही वो अपने जीनोम को रेप्लिकेट करती है. इसके अंदर होस्ट सेल के अंदर, यानी कि ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती है. तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो क्या है. तो जब हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल की, तो लाइसोजेनिक साइकिल में मैंने क्या बताया कि फेज का रेप्लिकेशन तो होता है पर होस्ट सेल को डेड किए बिना, यानी कि विदाउट डिस्ट्रॉइंग ऑफ होस्ट सेल फेज जीनोम रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल. तो अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें इसके साइकिल में, तो स्टेप नंबर 1 अटैचमेंट और स्टेप नंबर 2 पेनिट्रेशन तो सेम होता है किसकी तरह से, जैसा कि लाइटिक साइकिल में हो रहा था. पर पेनिट्रेशन जैसे ही फेज जो है होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट हो गया, उस पेनिट्रेशन के बाद में स्टेप नंबर 3 आता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो फेज का जो जीनोम था वो किसके अंदर पेनिट्रेट कर गया था, होस्ट सेल के अंदर. अब जैसे वो पेनिट्रेट किया उसने उसके जीनोम को डिग्रेड नहीं किया, उसने उसके जीनोम के साथ में क्या किया, उसके साथ में जाके एक अटैचमेंट कर लिया उसके डीएनए के साथ. इस स्टेप को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन. इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 बाइनरी फिजन. इसमें जो ये बैक्टीरियल सेल जो होती है वो क्या करती है, बाइनरी फिजन करती है. वो अपने जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कर देती है, रेप्लिकेट कर लेती है. और रेप्लिकेट करने के बाद में क्या कर लेती है, डॉटर सेल बना लेती है. यहाँ पे डॉटर सेल बन गए. अब ये डॉटर सेल जो हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये डॉटर सेल बन के ही रह जाएं. अब इनको कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन मिलनी चाहिए जिससे कि ये फर्दर आगे क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, या फिर ये दूसरे लाइफ साइकिल के फॉर्म में आ सके. तो एनवायरमेंटल फैक्टर के हेल्प से ये जो डॉटर सेल होती हैं ये लाइटिक साइकिल के फेज में चली जाती हैं. ये दोबारा से कौन से फेज में आ जाती है, लाइटिक साइकिल में. लाइटिक साइकिल में क्या हुआ था, आगे वो रिलीज हो गई थी किसको, डेड करके उसको, वो सेल को डेड करके रिलीज हो गई थी. यानी कि लाइसोजेनिक जो सेल थी इसका जो मेन काम होता है वो उसके जीनोम को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसके जीनोम के साथ में जाके बैक्टीरियोफेज का जीनोम अटैच होता है. वो अटैच होके आगे बाइनरी फिजन करके डॉटर सेल के साथ में आगे लाइटिक साइकिल में चला जाता है. लाइटिक साइकिल अपना काम करती है. लाइटिक साइकिल क्या करती है, इनको रिलीज कर देती है. तो ये होता है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर. और ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि दो स्टेप तो उसके जैसे ही होते हैं सेम, अटैचमेंट पेनिट्रेशन, उसके बाद में थर्ड आ जाता है इंटीग्रेशन, फोर्थ आ जाता है बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन के बाद में वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये तो हुई हमारी ये दोनों लाइफ साइकिल किसकी, बैक्टीरियोफेज की. अब जब हम बात करें कि वायरस, एक मैंने बताया था कि पाश्चर ने बताया था कि जो वायरस होता है एक पॉइजनस फ्लूड होता है. पॉइजनस फ्लूड से यहाँ पर मतलब है कि ये जिस भी होस्ट सेल के अंदर जाता है वहाँ पे उसके लिए हार्मफुल कंडीशन पैदा कर देता है. वो कोई ना कोई डिसीज़ पैदा कर देता है, जैसा कि मैंने बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस. वो उसकी लीफ को नेक्रोसिस कर देता है. वो उसके सिर्फ और सिर्फ वेंस को छोड़ता है, बाकी के जो ग्रीन पार्ट होता है उसको ख़त्म कर देता है और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. ऐसे HIV होता है जो कि एड्स को ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी अलग तरीके के वायरल डिसीज़ होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी वायरल डिसीज़ होती हैं. जो भी डिसीज़ हैं जो प्लांट और एनिमल के अंदर हैं वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ. तो अगर हम वायरस की बात करें तो मैंने बताया था कि ये एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ये एक हार्मफुल इफ़ेक्ट छोड़ती हैं जिन्हें हम डिसीज़ बोलते हैं. पहला अगर हम डिसीज़ बोलें तो चिकन पॉक्स, जो कि पॉक्स वायरस के थ्रू होता है. दूसरा पोलियो, पोलियो वायरस के थ्रू. रेबीज़,
रेबडोवायरस, कोल्ड, रेनोवायरस और एड्स HIV यानी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होता है। तो ये तो एनिमल के डिसीज़ हैं जो कि वायरस के थ्रू होती हैं, और भी होती हैं, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ ही नाम लिखे हैं। प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो जितनी भी मोज़ेक वायरस होती है, टोबैको मोज़ेक हुई, कुकुम्बर मोज़ेक हुई, बनाना मोज़ेक हुई, ये सब वायरस डिसीज़ होती हैं। और ये जो होता है इनके इन डिसीज़ का अगर हम देखें तो बहुत इजीली इलाज नहीं हो पाता है। तो कोविड में अगर आप देख रहे हैं, हम कोरोना वायरस जो आया है ये भी एक तरीके का वायरस है। इसकी वैक्सीन बनने में इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके जीनोम की कॉपी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जो कि एक वैक्सीन के रूप में जो बनती है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस ये जो कोरोना वायरस आया है इसको इसकी वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग रहा है। अगर हम इसका ये देखें कि ये तो डिसीज़ की बात हुई, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं। जैसे कि अगर हमें कोई डिसीज़ हो जाती है, पोलियो हो जाती है या कोई और डिसीज़, वायरल डिसीज़ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि जो डेड वैक्सीन होती है, जो डेड वायरस होता है, उसको एज ए वैक्सीन के रूप में इन डिसीज़ में मदद करते हैं, जो कि एक वैक्सीन का भी, ये डेड वायरस जो होता है एक वैक्सीन का भी काम करता है, जो कि एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में हेल्प करता है। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर वायरस का कैरेक्टर देखा, उसकी डिस्कवरी देखी, फिर हमने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने उसकी लाइफ साइकिल्स पढ़ी, लाइटिक और लाइसोजेनिक, और फिर उसके बाद हमने डिसीज़ पढ़ी, और डिसीज़ के बाद में उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वायरस जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो आज के लिए थैंक यू।